हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं। अगर नर्सरी से नहीं लाते हैं तो कहीं पे आपको कटिंग मिल जाती है, तो आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो मौसम है ना इस समय एकदम बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, रोज बारिश होती है, तो आप उनकी कटिंग भी अगर लगाएंगे ना तो वो ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अडेनियम दिखा देती हूँ, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो आप देसी से शुरुआत कीजिए। ये देसी प्लांट है, आप देख सकते हैं। देसी प्लांट में ऐसी भी हैवी फ्लावरिंग होती है, मतलब हैवी फ्लावरिंग तो सभी में होती है। ये हमारे जो डबल पेटल के फ्लावर हैं इनमें भी देखिए सीड ग्रोन है, लेकिन ये जो मेरे सीड ग्रोन नहीं होते हैं ये मैंने ग्राफ्ट किया है, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये भी देखिए ग्राफ्टिंग है। तो मेरे सभी प्लांट में हैवी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो आप न्यू है ना तो देसी लीजिए, क्योंकि आप हाइब्रिड लेंगे तो आपको प्लांट भी महंगा मिलेगा और थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो गई तो प्लांट अगर ख़राब हो गया तो आपको तकलीफ भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप न्यू अडेनियम मतलब देसी से शुरुआत कीजिए। आपके गार्डन में एक दो बार आप उसको लगाना, उसका केयर करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप हाइब्रिड लीजिए, ग्राफ्टेड लीजिए, मतलब ग्राफ्टेड या हाइब्रिड दोनों सेम ही है, तो उनमें से फिर कोई भी आप रख सकते हैं। और तो फर्स्ट में मैं यही बोलूँगी, आप अडेनियम इस समय ज़रूर लेकर के आइए अगर आपको मिल जाता है तो, और अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करिए। बस थोड़ी सी केयर है, पानी इसको कम दीजिए, बस यही केयर है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल नहीं करेगी। जितना इसका देखभाल मैंने, इसकी तो केयर बिल्कुल बंद ही कर दी, कुछ देना ही बंद कर दिया इसको मैंने, उसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। सब पे मैंने ट्रीटमेंट किया, सब पे काम किया, सबको रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइजर दिया, लेकिन इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया और ना इसके ऊपर कुछ किया। उसके बाद देखिए इसका हाल। तो जितना कम केयर आप करेंगे एडेनियम की, उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। इसके बाद देखिए अभी जो बेस्ट सीजन है, बोगनवेलिया आप लेकर के आ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर कलर इस समय नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए कितना प्यारा बंच में फ्लावर आया है, काफ़ी अच्छा प्लांट हो गया है मेरा भी। ये मैंने एक बकेट में इसको लगा के रखा हुआ है और आप फ्लावरिंग देखिए, इसमें वाइट और पिंक कलर के फूल आते हैं दोनों, तो बहुत सुंदर लगता है ये देखने में, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये वाइट और पिंक की वजह से, मतलब एक कलर होता तो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, दो कलर की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत है। आप इस समय इसको लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद देखिए ये टिकोमा, टिकोमा का प्लांट अभी आप ला सकते हैं। आपको छोटा सा प्लांट लगभग 40-50 रुपये में मिल जाएगा और बिल्कुल आप इसको नर्सरी से लेकर आइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा आँखों को मतलब सुकून देती है, एकदम मन खुश हो जाता है। इसमें आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे, येलो, पिंक, पर्पल, वाइट और इस तरह से। ये देखिए येलो, ये तो जो गोरी चोरी का प्लांट होता है ना उसी की वेराइटी है, इसी में सेम पत्तियां ऐसी येलो कलर का भी आता है टिकोमा। तो मैं सोच रही थी लेना, लेकिन अब दोबारा कभी जाऊँगी नर्सरी तो मैं ले आऊँगी उसका प्लांट। ये देखिए इसको, ये भी आंधी तूफान की वजह से टूट गया थोड़ा सा। एक देखिए मिलीबग भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये डैमेज होते रहते हैं, कभी यहाँ पे बिल्लियाँ नुकसान कर देती हैं तो कभी आंधी तूफान की वजह से ही हो जाता है। कल बहुत तेज़ बारिश और आंधी आई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट मेरे डैमेज भी हुए, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसके बाद अगर आपको दिखा दूँ, आप इस समय हिबिस्कस भी लीजिए। ये देखिए हिबिस्कस में कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, पूरे समर ये आपको फूल देता रहेगा। और आप हाइब्रिड लीजिए, देसी लीजिए, जो भी चाहिए आपको, मतलब कि लेकिन हाइब्रिड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देसी भी खिलते हैं। देसी पूरे समर आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे, पर विंटर में वो डोरमेंसी में जाते हैं, ये डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आप इसको मई जून में रख देंगे तो इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग भी होगी। आप इनको थोड़ा सा 4-5 घंटे की धूप वाले एरिया में रखिए, उससे आपके प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे। इसके बाद देखिए जो सबसे ब्यूटीफुल प्लांट है जो पूरे साल फूल देता है, वो है पेंटास। आप इस समय पेंटास को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है, तरह तरह के कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। ये देखिए ये पिंक है, रेड है, वाइट है और ये एक पिंक वेरिएटेड वाला है। थोड़ा सा दबा जा रहा है प्लांट जगह की कमी की वजह से, घुसा दिया अंदर मैंने। इसकी डेड हेडिंग आप इस तरह से करते रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, नए नए फ्लावर आते रहते हैं। देखिए इसकी पिंचिंग जरूरी होती है, ये सूखे फूल हटाते रहेंगे नई ग्रोथ निकलती रहेगी। ये देखिए कल की बारिश से प्लांट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं, खुश हो गए हैं एकदम से। बस थोड़ा सा अडेनियम के लिए डर लग रहा था कि अडेनियम को नुकसान ना हो, वही थोड़ा सा टेंशन रहता है, क्योंकि जिसके पास भी अडेनियम होंगे वो बारिश से डर ही जाते हैं। तो मेरा भी वही हाल है, डर तो लगता ही है क्योंकि प्लांट कभी ना कभी ख़राब हो ही जाता है। तो कितने भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट लोगों के प्लांट ख़राब होते हैं ऐसा नहीं है, तो बस थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। 3 दिन की बारिश लगातार प्लांट पर पड़ी हुई है, फिर प्लांट अच्छे चल रहे हैं और उधर कुछ देसी भी लगे हैं। उसके बाद देखिए आप इस समय अगर गुड़हल में आप पूरे 12 महीने फूल पाना चाहते हैं ना, तो ये मिनेचर वाला है, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में हैवी क्वांटिटी फूल देता है। अभी देखिए इसमें एक जामुन की ब्रांच इसके ऊपर आके गिर गई है, पीछे जामुन का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए पूरा, तो ये शायद इसकी वजह से डैमेज हो रहा है। मैं इसको यहाँ से कट करके हटा देती हूँ,
थोड़ा सा अभी भी डैमेज कर रहा, तो इसको भी आप लेकर के आ सकते हैं। ये एक्टिकोमा देखिए, अभी मैंने कटिंग से लगाया था, वो मदर प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाई थी। इससे मैंने 4-5 प्लांट बनाए थे, जो मैंने 2-3 तो नर्सरी में एक्सचेंज कर लिए और एक मैंने अपनी फ्रेंड को भी दे दिया था, मतलब सेल कर दिया था उनको। और कई सारे प्लांट, ये रेनी सीजन में बहुत अच्छा ग्रो करता है, अभी भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो बरसात का सीज़न होता है ना, कटिंग हमारी तब सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है जब रिमझिम सी बरसात होती रहती है, उस टाइम पे आपकी कटिंग 15-20 दिन में ही ग्रो हो जाती है किसी भी प्लांट की। तो टिकोमा बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसके बाद देखिए वो है मोगरा, उधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इसके बाद देखिए मोगरा, आप इस समय मोगरा का प्लांट लेकर के आइए, जब भी आप सुबह अपने छत पे आएंगे तो पूरा फूलों से भरा रहेगा और इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही प्यारी होती है, पूरा मतलब फ्रेग्रेंस से पूरा हमारा टेरेस भरा रहता है। तो इसको आप ज़रूर लेकर के आइए और आपको लगभग 30-40 रुपए में इसका प्लांट मिल जाएगा, काफ़ी मतलब अच्छा प्लांट होता है। और कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं ईजिली, छोटी सी कटिंग आप टिप की लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरा एक कटिंग से लगा प्लांट है, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। इसका जो मदर प्लांट था वो इतना ज़्यादा घना हो गया था, मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको नर्सरी में दे दिया फिर। और एक ये देखिए हिबिस्कस है, हिबिस्कस में आपको बहुत सुंदर सुंदर से कलर मिल जाएंगे। इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। एक ये भी है, इसके देखिए सूखे फूल मैं हटा नहीं पाई अभी थोड़ा सा, और क्योंकि इतना अंदर तक आना थोड़ा सा गमले हटाने पड़ जाते हैं मुझे फिर, तो इसी वजह से। इसके बाद देखिए एक जट्रोफा का प्लांट है, आप इस समय जट्रोफा का ला सकते हैं। इस तरह से इसमें फूल आते हैं बंचेस में छोटे छोटे से, और इसको आप इस अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको दो वेरायटी मिलेगी, ये वेरीगेटेड है और एक प्लेन ग्रीन पत्तों वाला मिलेगा। आप इसको भी धूप में रखेंगे तो वेरीगेशन रहेगा, छाया में रखेंगे इसको तो ये ग्रीन हो जाता है, तो इसको भी आप इस समय ला सकते हैं। इसके बाद देखिए ये चांदनी का प्लांट है, चांदनी में आपको डबल, सिंगल और ड्वार्फ चांदनी, तीन प्रकार की चांदनी मिलेगी, तो आप तीनों में से कोई सा भी ला सकते हैं, तीनों को भी ला सकते हैं, तो बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। तो इनको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए, परमानेंट पूरे साल फूल पाना चाहते हैं तो। थोड़ा सा जो ठंडी का सीज़न होता है उसमें डोरमेंट हो जाते हैं, बाकी टाइम में खिलते रहते हैं। उसके बाद ये देखिए अलमंडा, अलमंडा में भी तीन वेरायटी आती है, और येलो कलर है, एक ही पर्पल था जिसके पत्ते थोड़ा सा पानी की कमी से सूख गए, मतलब गिर गए पूरे, फिर से न्यू ग्रोथ अभी स्टार्ट हो रही है इसमें, और अभी फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट नहीं हुई है। इसमें तो हो गई थी, लेकिन कल की बारिश और आंधी से पूरा प्लांट की देखिए कंडीशन कैसे हो गई है। और उधर ट्रेलिस पे थोड़ा सा मुझे इसको चढ़ाना भी है अच्छे से, तो थोड़े गमले हटाऊंगी यहाँ से, ये पिटोनिया वगैरह हटा दूंगी यहाँ से, उसके बाद मैं उसको क्लियर करूँगी, उधर क्लीन करूँगी थोड़ा सा। तो इसको भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं, 50 रुपये में आपको इसका प्लांट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये कनेर का प्लांट है, कनेर में देसी या हाइब्रिड कोई सा भी ला सकते हैं, वैसे हाइब्रिड में काफ़ी अच्छे बंचेस में फ्लावर आते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने प्रून किया है, अभी फर्टिलाइज़र ऐसा कुछ दिया नहीं है फ्लावरिंग के लिए, इसलिए शायद इसमें अभी कलियां नहीं बन रही हैं, बाकी तो सब में कलियां और फूल आने लगे हैं बिना फर्टिलाइज़र दिए हुए भी। तो ये देखिए जो डबल चांदनी का प्लांट है ना, इसमें भी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो आप इसको कटिंग से या नर्सरी से ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है, वाइट कलर के मतलब बड़े बड़े से फूल इसमें आते हैं डबल चांदनी में, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। तो ऐसे प्लांट आप परमानेंट प्लांट जरूर अपने गार्डन में, कुछ प्लांट तो ज़रूर रखिए ताकि वो 12 महीना आपको फूल दें और 12 महीना आपके गार्डन में रहें, ताकि हमेशा आपको उनको ख़रीदना ना पड़े। इसके बाद देखिए मधुकामनी का प्लांट है, मधुकामनी में भी आपको तीन वेरायटी मिल जाएगी, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छे फूल पाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक ये वाला लीजिए और एक और पत्तियों मतलब इससे थोड़ी छोटी पत्तियाँ आती हैं उसको लीजिए, उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इससे भी बड़ी पत्तियों वाला एक आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जब खिलते हैं ना तो पूरा बंच में पूरा खिलते हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी में इनमें फूल आते हैं, देखने में पूरा फूलों से भर जाएगा, आपको पत्तियाँ नज़र नहीं आएगी। तो ये भी आपको 50 से लेकर 100 रुपए में इसका प्लांट मिल जाएगा, छोटा प्लांट लेंगे तो 40 से 50 रुपए में, बड़ा प्लांट लेंगे तो आपको 80 से लेकर के 120 से 150 तक में मिल जाएगा। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इस समय आप जेट प्लांट अपने गार्डन में ला करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है ये प्लांट। जेट प्लांट से आप तरह तरह की टोपियारी बना सकते हैं, मैंने भी इसकी काफ़ी टाइम से प्रूनिंग नहीं की है तो शेप इसका बिगड़ रहा भी, तो टाइम टाइम से आप इसको प्रून करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। आप इस समय लोटस के ट्यूबर भी लगा सकते हैं समर में, ये देखिए मेरे गार्डन में तो छत में जगह नहीं है फिर भी लगा ली, घर में डांट खाने के बावजूद भी लगा लिया है, पर कोई नहीं, देखते हैं कुछ फूल खिल जाएंगे तो फिर अच्छा भी लगने लगेगा देख देख के। लेकिन मेरे यहाँ कैटरपिलर का बहुत ज़्यादा अटैक है जिसकी वजह से इनके सारे पत्ते वो खा जाते हैं और मैं देख नहीं पाती, डेली चेक करती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है, वो कहीं कहीं दिख भी जाता है।
इसके बाद देखिए इस समय आप ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट ला सकते हैं। ये देखिए रेड और व्हाइट कलर में इसके फूल आते हैं और रेड और पिंक में भी। अब पता नहीं पिंक खिल रहा अभी तो, वैसे मैं जब लेकर के आई थी तब इसमें रेड फ्लावर आए हुए थे। तो इसका जो मदर प्लांट था वो तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा मतलब उसमें पत्तियां ही अभी नहीं निकली हैं प्रून करने के बाद, लेकिन ये काफ़ी अच्छा देखिए फुल सनलाइट में यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे इसको सेमी शेड लोकेशन ज़्यादा पसंद है, पर मैंने सेमी शेड में भी रख के देखा उसमें भी फ्लावर इसमें नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको छत पर ही रख दिया है। और ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है मेरा, अभी उधर भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाई है तो वो भी पड़े हुए हैं, तो इनको भी आप ला सकते हैं। बंच में इस तरह से व्हाइट और रेड कलर के फूल खिलते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये भी एक वाइन की तरह होता है, आप कोई ट्रेलिस या किसी में आप इसको बढ़िया अच्छे से फिक्स कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है ये, तो इसको भी आप इस समय ला सकते हैं। ये अभी आपको 70 से 80 रुपये में इसका प्लांट मिल जाएगा, 100 के अंदर मतलब इसका प्लांट आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आप इस समय कोलियस को ला सकते हैं, कोलियस परमानेंट प्लांट है, बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर होते हैं और आप तरह तरह के कोलियस के कलर अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो कोलियस तो परमानेंट प्लांट है, मतलब इसको साल में 3-4 बार आप कटिंग से अगर ग्रो करते रहेंगे तो नए नए प्लांट आपके गार्डन में बने रहेंगे। मेरे प्लांट भी देखिए अब थोड़ा लंबे हो गए हैं, मैं इनकी कट करके ऊपर की कटिंग लगा दूंगी, नीचे के प्लांट में और ज़्यादा न्यू ग्रोथ आ जाएगी तो वो भी अच्छे दिखने लगेंगे। थोड़ा मिलीबग का अटैक होता है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए गर्मियों में आप अपने गार्डन में अगर पूजा के लिए चाहिए आपको तो आप बेल पत्र का प्लांट ला सकते हैं। मैंने इसको सीड से ग्रो किया था और देखिए अभी इसमें कितने सुंदर सुंदर पत्ते निकल करके आने लगे हैं नए नए, लेकिन इसमें भी कैटरपिलर बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो बिल्कुल भी भगवान जी में चढ़ाने लायक पत्ते बचते ही नहीं हैं। इस पर मैंने देखिए इसकी प्रूनिंग नहीं की है करी पत्ता की, आप करी पत्ता भी इस समय ला सकते हैं, तो इस समय आप करी पत्ता भी ला सकते हैं। देखिए इस तरह से सुंदर सुंदर से प्लांट रहता है, इनको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए क्योंकि ये हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ही सुंदर होते हैं, तो इनको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए। और सीड्स भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली सीड्स से ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए नागचंपा, आप नागचंपा को अपने गार्डन में ला सकते हैं, बहुत सुंदर फूल देते हैं, साल के 12 महीने से फूल आते हैं जो कि हैवी क्वांटिटी में बंचों से फ्लावर देता है और बहुत ज़्यादा सुंदर इसके फूल लगते हैं। थोड़ी हाइट हो जाती है उसकी वजह से हमारे जो फ्लावर होते हैं एकदम ऊँचाई में खिलते हैं, लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो मेरे पास न जाने कितने प्लांट हैं, फ्री में नर्सरी में भी बहुत सारे प्लांट मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे हो गए थे, पर अभी अब मैंने 3-4 प्लांट ही रखे हैं जिनको मैं अब कटिंग भी नहीं लगा रही। इस साल मैंने एक भी कटिंग इसकी नहीं लगाई है, नहीं कम से कम तो 25 से 30 प्लांट मेरे पास तैयार हो जाते फिर से, तो मैंने बिल्कुल भी इस बार कटिंग नहीं लगाई है, मैंने सारी कटिंग अपने कंपोस्ट बिन में डाल दी है। तो पहले तो मेरे पास नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एक क्रेविंग होती है ना, कोई प्लांट नहीं है हमारे पास तो उसको चाहिए ही चाहिए होता है, वैसी हाल रहता है। और जब एक प्लांट ले आती हूँ तो उससे ढेरों प्लांट मैं तैयार कर लेती हूँ तो फिर हो जाते हैं। तो एक प्लांट आप भी लाइए, उससे आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है ढेर सारे बनाने की, एक ही केयर अच्छे से कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए एक अलवंडा की वेरायटी है जो थोड़ा पानी न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो गया है, इसकी मैं थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी। इसमें बीड्स भी देखिए किस तरह से ग्रो हुई है, हर बीड इसमें ग्रो हुई है, कुछ पिटूनिया, एक ये भी फ्लावर है येलो कलर का, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन मैं इसको इसमें नहीं रखूँगी, इनको हटा दूँगी, बहुत सारे प्लांट। इसमें रेन लिली भी है, इसमें बथुआ लगा हुआ है, ना जाने क्या क्या लगा। तो ये अलवंडा की वेरायटी है जो बंचेस में फ्लावर आते हैं, इसमें पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है, लेकिन इस बार इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, अभी मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया, और रीज़न ये है इसमें अमरबेल का भी अटैक हो गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। कटिंग से ही मैंने इसको ग्रो किया था और देखती हूँ अगले साल मैं इसकी नई कटिंग लगा लूँगी तो इस प्लांट को फिर उखाड़ के हटा दूँगी क्योंकि ये मुझे लगता नहीं अच्छा चलेगा, पर अभी तक मैंने इस पर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया है, करके देखती हूँ। देखिए थोड़ी सी ब्रांच भी डाई बैक हो रही हैं और थोड़ा सा रीज़न यही है कि मैंने पानी नहीं दिया था, यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता था पानी देने के लिए। देखिए प्रूनिंग के बाद मेरा डिने में सब में कलियाँ आने लगी हैं और कितनी ज़्यादा इनमें हैवी क्वांटिटी में ब्रांच निकल करके आई हैं, देखिए एक एक में 3-3, 4-4, इनमें थोड़ा सा फंगीसाइड एक बार इस पर करना ज़रूरी है, थोड़ी सी पत्तियाँ कर्ल हो रही हैं। इस समय देखिए आप पान का प्लांट ला सकते हैं, देखिए कितना अच्छा हैवी क्वांटिटी में ग्रो कर रहा है ये और बहुत सुंदर सुंदर पत्ते लग रहे हैं। ये थर्ड फ्लोर पे रखा है लेकिन थोड़ा सा गमलों के बीच में रखा है तो बहुत सुंदर से पत्ते निकल रहे हैं ये देखिए। तो पान को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं या तो आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, आपको 50 रुपीज़ में इसका प्लांट मिल जाएगा। तो इस समय आप गुलाब चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी गुलाब को ऐड करने के लिए अपने गार्डन में, क्योंकि गुलाब की कंडीशन जो है ना समर में उतनी ज़्यादा अच्छी चलती नहीं है, और अगर आप लोग नए हैं तब तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। गुलाब का जो सीज़न होता है जुलाई अगस्त में आप ख़रीद लीजिए, अगस्त में सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तब तक गुलाब बहुत अच्छे चलते हैं, और समर में थोड़ी सी इनकी केयर मतलब करनी पड़ती है। अभी देखिए एक दिन पानी कमी हो गई तो पूरा पत्तियाँ गिर गई इसके, लेकिन हाँ इसमें न्यू सोर्स बहुत अच्छे निकल करके आ रहे हैं। तो यही होता है कुछ पत्तों में मतलब अटैक भी होता रहता है कुछ कुछ,
तो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से भी प्लांट फिर डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इसलिए गुलाब को आप अभी अवॉइड कीजिए। और विंटर के प्लांट आपको इस समय नर्सरी में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, तो विंटर के प्लांट बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि भले आप उनको सेव कर लें लेकिन वो उतना अच्छा सर्वाइव नहीं करेंगे। आपके गर्मी में आप सेव कर लेंगे लेकिन बरसात आते आते तक प्लांट फिर ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि जेरेनियम हो गया, डेंथस हो गया, इनको आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, जो है आपके पास तो सेव कर लीजिए। अगर आप नया लेने का सोच रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है उनको संभालने में। बार बार बारिश से हटाएंगे, बार बार धूप से हटाएंगे, तो फिर वो जगह स्पेस चेंज करते करते ना वो प्लांट और ख़राब हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स, अपने गार्डन को खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो आप ये जो वाटर कैबेज होता है इसको भी ला सकते हैं, और 10 रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का एक प्लांट इसका मिल जाएगा। तो एक प्लांट आप पानी में डाल देंगे ना तो धीरे धीरे क्वांटिटी करते करते काफ़ी सारे प्लांट हो जाते हैं इसके। इस समय आप पीस लिली ला सकते हैं। पीस लिली अगर आप लाएंगे तो आपके गार्डन में देखिए फ्लावर भी आएंगे और साथ में ग्रीनरी भी बहुत अच्छी ऐड करें। कल रात को बारिश हुई बहुत ज़्यादा, मैंने बारिश में इसको रख दिया, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, तो इसको भी आप इस समय ला सकते हैं। इसके बाद इंडोर प्लांट में आप इस तरह से प्लांट लेकर के आ सकते हैं, जैसे कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, इसको आप ला सकते हैं। आप अरेलिया का प्लांट ला सकते हैं, अरेलिया में आपको बहुत सारी वेरायटी मिल जाएंगी, लगभग 5-6 वेरायटी इसमें आती है। ये देखिए इसमें थोड़ा येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ये वाइट और ग्रीन है, बहुत प्यारे प्यारे इसके प्लांट होते हैं। आप इस समय मनी प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये देखिए ये मार्बल मनी प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप इस समय जीजी प्लांट ला सकते हैं, देखिए जीजी प्लांट एक एक सिंगल सिंगल पत्तियों से मैंने इस प्लांट को ग्रो किया, और इसके ट्यूबर देखिए, थोड़ा सा मैंने रिपोर्टिंग अभी की है ना, तो ट्यूबर इसके थोड़े बाहर हो गए हैं, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको कल, इसमें बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पड़ गया है, ज़्यादा पानी से इसके ट्यूबर भी ख़राब हो जाते हैं, तो अब इस बार नहीं रखूँगी, अगर अगली बार बारिश होगी तो। तो ये देखिए जब शुरू शुरू में इसमें सिंगल पत्तियों से पत्तियां निकली थी ना, तो सिर्फ ऐसे दो दो पत्तियां निकल करके आती हैं, बाद में फिर धीरे धीरे स्टिक निकलना शुरू होती है। और ये देखिए पहले दो दो चार चार पत्तियां आती हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे लंबे स्टिक निकलती है, देखिए अब नई निकल करके आई है। और इसी तरह इसको भी मैंने पत्तियों से ग्रो किया था, क्योंकि मदर प्लांट मेरा ख़राब हो गया था, उसी की पत्तियाँ जो थी उसी से मैंने फिर प्लांट को बचा लिया, क्योंकि आप लेने जाएंगे तो आपको 80 रुपये 100 रुपये से कम में इसका प्लांट नहीं मिलता है, सिर्फ दो पत्तियाँ रहेंगी आपको, मतलब दो स्टेम या एक स्टेम ही रहेगी। आप इस समय बहुत सारे प्लांट ला सकते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट ला सकते हैं, आप सिंगोनियम ला सकते हैं, देखिए सिंगोनियम पूरा प्रून कर दिया था ना, अब इसमें नई नई ग्रोथ निकल कर रही, कितना प्यारा से कलर है इसका। आप क्रोटन ला सकते हैं, क्रोटन में बहुत सारी वैरायटी होती है। आप टर्टल वाइन ला सकते हैं, ये देखिए, और आप मतलब इंडोर प्लांट की भी वैरायटी ला सकते हैं, और इस तरह से प्लांट अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आप ऐसा कीजिए कि उसकी रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर चिकनी मिट्टी में प्लांट लगा है तो आधा निकाल दीजिए, अगर नॉर्मल गार्डन सोइल मतलब अच्छी मिट्टी में लगा है तो आपको ज़्यादा छड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए, उसको वैसे ही रिपोर्ट कर लीजिए। आप इस समय फाइकस का प्लांट ला सकते हैं, मेरे पास भी देखिए एक फाइकस छोटा सा है, मैंने इसको बोनसाई पॉट में लगाया था, मैंने इसको ट्रीटमेंट मतलब ऐसे ट्रीट नहीं किया है एज बोनसाई, लेकिन ये छोटा सा प्लांट है, इसमें रूट भी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई नीचे से, अभी तक ये फुल सनलाइट में मैंने रख दिया था, देखिए इसकी रूट जो है निकल कर अपने आप ज़मीन में गई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ये देखिए। तो एक बोनसाई से लुक अपने आप ले रहा है, मैं इसको पहले सोच रही थी नीचे की ब्रांच हटा दूँ तो थोड़ा ऊपर शेप दे पाऊँगी, लेकिन फिर मुझे ऐसे ही अच्छा दिख रहा था, अभी धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ काफ़ी सारी गिर चुकी हैं, अब नई पत्तियाँ फिर से निकल करके आई हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा छाया में कल ही उठा करके रखा है, वो भी आंधी तूफान के डर की वजह से, नहीं तो ये दीवार जाएगी थोड़ा सा तो अच्छा हो जाएंगे। ये बेबी सनरोज आप इस समय ला सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होता है, और देखिए इसमें थोड़ा सा मिलीबग का अटैक भी हो गया, इसमें फूल आते हैं रेड कलर के या फिर पिंक कलर के, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में, तो इसको आप इस समय अपने गार्डन में लगाइए और इस तरह से हैंगिंग बास्केट बना लीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, देखिए पूरी बास्केट भर गई है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मतलब प्लांट गिफ्ट में दिया था, जो कि मैंने पूरा बास्केट को कटिंग लगा लगा करके पूरा भर दिया इसको। आप इस समय ये प्लांट भी ला सकते हैं, एक मतलब कि ऐसे पानी में रहने वाला प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जैसे लोटस वगैरह हैं उन्हीं की प्रजाति है ये। और तो ये देखिए आप इस प्लांट को भी ला सकते हैं, इसको डॉलर प्लांट या पेनी वर्ट प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये वाटर में रहने वाले प्लांट हैं, नीचे मैंने इसमें मिट्टी रखी हुई है और ऊपर से इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका पानी जब भी सूख जाता है तो इसकी पत्तियां पीली होकर के ख़राब हो जाती हैं, तो पानी इसका हमेशा इस तरह से देखिए भरा रहना चाहिए। कल बारिश का पानी इसको बहुत अच्छा मिल गया है, और बारिश के पानी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं इसके लिए बारिश का पानी। और इसमें देखिए फूल भी आ रहे हैं, मैं फूल सोच रही हूँ सारे अब हटा दूँ, काफ़ी टाइम से इसमें फ्लावरिंग हुई है, बहुत सुंदर ये लगता है। एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और देखिए पूरे पॉट किसने भरा है, और कल बारिश के पानी से पूरा फूल हो गया है, इसको बारिश के पानी इसको बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए जर्नाडू का प्लांट है, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था, देखिए इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल करके नहीं काफ़ी अच्छा बुसी हो रहा है। आप एग्लोनिमा भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं,
और ये फिलोडेंड्रोन बिरकिन का प्लांट है, ये फिलोडेंड्रोन लेमन, और ये देखिए एग्लोनीमा की वाइट वेराइटी, ये एग्लोनीमा भी है कि मतलब, और ये ग्रीन एग्लोनीमा है और वाइट कुछ करके नाम है इसका भी। तो इस तरह से आप एग्लोनीमा, ये देखिए मैंने जो मनी प्लांट है इसकी कटिंग लगाई थी, कितना बुसी हुआ है, कितना प्यारा हुआ है ये, और इसकी कटिंग कर दी थी अभी मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन हुआ होगा इसको कटिंग किए हुए, और 20 दिन में देखिए इसमें नई नई कितनी सारी ब्रांच निकल रही हैं, और जो कटिंग लगाई है ना मैंने, ये देखिए ये पूरी बास्केट भरी हुई है, ये बास्केट भर गई। तो कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, और इसकी कुछ कटिंग यहाँ पर भी लगाई थी, देखिए इसमें भी पूरी कटिंग मेरी ग्रो हो गई है। तो इसमें एग्लोनीमा, ये देखिए ये प्रेयर प्लांट है, इसके पत्ते थोड़े सूख रहे हैं, ये अभी पता नहीं विंटर में ही सूख रहे थे या फिर मिट्टी शायद ड्राई हो गई थी, मुझे लगता है मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो गई थी इस वजह से सूख गए थे पत्ते। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको बड़ा पॉट में लगा दूँ अगर, तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इस समय नर्सरी से जो प्लांट बताए मैंने वो काफ़ी अच्छे हार्डी होते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं, पूरे साल चलते हैं, तो ऐसे प्लांट आप जरूर अपने गार्डन में रखिए।